अश्विनी से चित्रा तक एनर्जी फ्लो, तो अश्विनी में एनर्जी आपकी स्टार्ट हुई थी राइट, तो आपको बिगिनर्स लक जो बोलते हैं आपका काफी अच्छा चल रहा था, सिद्धियां वगैरह थी, आप लोगों की हेल्प कर रहे थे। फिर थोड़े आपको फिर चैलेंजेस आने शुरू होते हैं धीरे धीरे, भरणी में जाते हैं और वो काफी एक्सट्रीम हो जाते हैं भरणी में पहुंचते पहुंचते। तो जो यमराज का नक्षत्र था हाँ तो वहां आपको औरों की भी मदद लेनी पड़ती है, खुद से आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, इस तरीके का चैलेंज होता है। और फिर ये चैलेंज आप झेलने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आई तो फिर आप दूसरों की मदद कर पाते, कृतिका नक्षत्र में अग्निदेव जिनके देवता होते हैं, तो आपके पास एक क्लैरिटी आ गई अग्नि की और एक विजन आ गया जिससे आप दूसरों की हेल्प, उसमें भी तपस्या करनी पड़ती है पर उसमें जैसे अग्नि को काफी सारी आहुति दी जाती है, वहां आपको काफी मिलता भी है और वो चीज आपको मिल रही है ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। तो ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर रोहिणी। तो जो भी आपने भरणी और कृतिका में तपस्या करी वहां रोहिणी में उसका आपको लाभ मिल रहा है, तो आप वहाँ एंजॉय कर रहे हो, एंजॉयमेंट का भी होता है और शादी वगैरह में भी इन लोगों की रुचि रहती है। और क्योंकि भरणी और कृतिका से एनर्जी आ रही है तो एक्टिव भी रहती है, तो क्रिएटिव रचनात्मक रहती है। फिर रोहिणी से मृगाशिरा में जब एनर्जी आती है तो पूरी ही एंजॉयमेंट फोकस हो जाती है कि अब वो एंजॉयमेंट एंजॉय ही कर रहे हैं, सुखी भोग रहे हैं पिछले पुण्य कर्मों का। तो वहाँ ये लोग ट्रेंड के साथ जाना पसंद करते हैं, कोई चैलेंज वगैरह लेना पसंद नहीं करते, पर पुण्य एक दिन खत्म होना ही था, तो जब पुण्य खत्म हो गया तो फिर गुस्सा आता है कि अब एंजॉयमेंट कहाँ चला गया, या फिर थोड़ा मच्योर है तो दूसरे का दुख देख के गुस्सा आता है कि दूसरा क्यों दुखी है। तो फिर रुद्र भगवान आते हैं आर्द्रा नक्षत्र में, वहां आप दूसरे का चैलेंज दूर कर रहे हो और ये फिर एनर्जी ऑपोजिट हो जाती है। तो मेघाशिरा में आप सोसाइटी के साथ जा रहे थे जो चल रहा है उसके साथ, आर्द्रा में रिबेलियस हो जाती है कि आप बदलाव चाह रहे हो कि ये सही नहीं है, इसको मैं सही करना है, तो एक्टिविस्ट टाइप एनर्जी हो जाती है। फिर आर्द्रा से पुनर्वसु में एनर्जी जाती है, तो वहां आपका गुस्सा शांत हो रहा है पर आप अब भी ये चाहते हो कि आप दूसरों का ध्यान रखें, चंद्रमा उनके ग्रह होते हैं माता की तरह, और चंद्रमा नहीं तो उनके गुरु होते हैं राइट, गुरु ग्रह होते हैं और अदिति देवी होती हैं, और श्री राम का भी नक्षत्र कहा गया है, तो आप बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, तो वहां आप अपने ज्ञान के थ्रू और माता की तरह लोगों का ध्यान रखते हो शांति स्वभाव से, ना कि रुद्र की तरह आप लड़ नहीं रहे। और फिर पुनर्वसु से पुष्य में एनर्जी गई, पुष्य बृहस्पति के होते हैं देवता, तो वहां आप तब भी औरों का ही ध्यान रख रहे हो पर वहां आपको लगा कि केवल माता की तरह ध्यान रखना काफी नहीं है, आप ज्ञान ज्ञान भी चाहिए लोगों को, तो फिर आप वहां ज्ञान भी बांट रहे हो। और फिर अश्लेषा में एनर्जी गई, तो जब आप दुनिया में जाके ट्रैवल करके ज्ञान बांट रहे तो आपको ऐसी कर दुनिया में टेढ़ी मेढ़ी परिस्थिति आती है वो आप अश्लेषा में हैंडल कर रहे हो, जिनके नाग देवता होते हैं, नाग भी टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है, तो वो स्किल कुशलता लेके आता है दुनिया में भी कैसे रहना। और फिर यहाँ पे आके अश्लेषा में एनर्जी पूरी हो जा रही है, एक साइकिल पूरी हो गई, और फिर हमने देखा कि मगा में नई साइकिल स्टार्ट हुई थी जहां आपको पिछले जन्मों का ब्लेसिंग मिल रहा है, जो आपने पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा में पुण्य किए उन सबका ब्लेसिंग अब आपको मिल रहा है, तो वो हो सकता है कि आप अच्छे घर में पैदा हो, पितर आपके अच्छे हो, अमीर हो या फेमस हो या पावरफुल हो या आध्यात्मिक हो या फिर दोनों ही का मिक्स हो तो बेस्ट है, आध्यात्मिक भी हो और मटेरियल भी हो। तो ये आपने यहाँ फिर वो एंजॉयमेंट की साइकिल स्टार्ट हो रही है मगह में, फिर मगह से पूर्व फाल्गुनी में एनर्जी गई और उत्तर फाल्गुनी में, तो फाल्गुनी दोनों ही एंजॉयमेंट के नक्षत्र थे। यहाँ फिर आप शादी वगैरह में इंटरेस्ट रहता है, पार्टनरशिप करना चाहते हो, जो आपको मिला है और जो सामने वाले के पास है उसको मिला के आप कुछ नया
चाहते हो। उत्तर फाल्गुनी में थोड़ा आपको ज्यादा चैलेंजेस झेलने पड़ रहे पूर्व फाल्गुनी के कंपैरिजन में। तो पहले आर्यमा देवता थे और फिर भगा देवता थे, और फिर फाल्गुनी से हस्त और चित्रामय बनर्जी आई है, जहाँ हस्त में काफी आप चैलेंजेस हैंडल कर रहे थे और क्रिएटिव भी थे उसकी वजह से। तो फाल्गुनी से हस्त में चैलेंजेस बढ़े, और फिर अब हस्त से चित्रा में फिर चैलेंजेस थोड़े कम हो रहे हैं, और फिर और आप क्रिएटिव हो रहे हो, हस्त से ज्यादा आप क्रिएटिव हो रहे हो। तो ये एनर्जी फ्लो है।